नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में हर थोड़े दिन में बिगड़ती ही रहती हैं। अब एक बार फिर दिलीप कुमार की सेहत नाजुक हो गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिलीप कुमार निमोनिया से पीड़ित हैं, जिसके बाद उन्हें कल रात अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बात की जानकारी दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से दी गई है। हाल ही में उनके ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि बीती रात दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें निमोनिया हो गया है, जिसके चलते उनका इलाज किया जा रहा है। आप सभी उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ करें। हम आपको उनकी सेहत से जुड़ी सभी जानकारी लगातार ट्विटर के जरिए देते रहेंगे। आपको बता दें, दिलीप कुमार की उम्र 95 वर्ष हो गई है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि दिलीप कुमार की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हालांकि उस समय उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है, लेकिन उनकी सेहत बहुत नाजुक थी। बताया जा रहा था कि दिलीप उनकी पत्नी सायरा बानू और बाकी परिजनों को पहचान पाने में भी असमर्थ थे, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनके साथ ही थी।